रेडी बेटे, एंड साथ ही साथ आपने बेटे कुछ बेसिक्स भी पढ़े थे। आपका इलेक्ट्रिक करंट करते टाइम आपने थर्मल जो वेलोसिटीज हैं इनके बारे में ब्रीफली बात की थी कि थर्मल वेलोसिटीज क्या हैं, और साथ ही साथ इस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटीज की बात करना भी बहुत जरूरी है। सो आइए बेटे, पहले मैं बात कर लेता हूं बेटे थर्मल वेलोसिटी, एंड देन बेटे मैं कंपैरेटिवली इसके साथ ही जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों, इसको भी इसके साथ बेटा डिस्कस करता हूं। थर्मल वेलोसिटी का कंसेप्ट बेटे वी विल बी मेकिंग यूज एट द टाइम व्हेन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। लास्ट टाइम हम बेटे बात कर रहे थे, ये आपके पास एक पीस ऑफ वायर है, कंडक्टर है, मे बी कॉपर, मे बी सिल्वर, मे बी एल्यूमिनियम, मे बी इवन आयरन, आपका कोई अच्छा गुड कंडक्टर आपने कंसिडर किया। ये मैंने आपको थोड़ा मैग्निफाई करके बेटे ड्रॉ कर दिया है। इट हैज गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन इट बेटा, सो दीज आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन साइड दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। एज यू हैव नॉट एट ऑल अप्लाइड एनी बैटरी, एनी सेल, और इन मोर साइंटिफिक टर्म्स एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस पर्टिकुलर वायर और कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव रेंडमली विद इन द कंडक्टर। कोई इलेक्ट्रॉन बेटे किसी तरफ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरफ भाग रहा है, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नेट मोशन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो बेटा दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर बेटे नेट मोशन नहीं है तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आपकी किसी भी डायरेक्शन में मूव ही नहीं किए, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपका चार्ज किसी डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं हुआ, आपका इस केस में करंट जीरो होगा बेटा। और करंट जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके मूव कर रहे हैं बेटा, और रादर रूम टेम्परेचर पर आपके जो भी अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल होगा दैट वी काउंट एज थर्मल एजिटेशन एनर्जीज बेटे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जो हैं 10^5 m/s से लेकर 10^6 m/s, 10^5 का मतलब है 1,00,000 m/s से लेकर 10,00,000 m/s की ये स्पीड पोजेस करते हैं, लेकिन क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर, आपका नेट मूवमेंट जीरो है तो आपका करंट भी जीरो होगा। इस चीज को बेटे हम बोल देते हैं हमारा जो थर्मल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं या थर्मल वेलोसिटीज हैं। और डियर चिल्ड्रन आप इसको जीरो बोल सकते हो, ये मैंने स्मॉल यू डाला है बिकॉज आपका कोई डायरेक्शन है ही नहीं है जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स का बेटा मूवमेंट हो रहा है। देन बेटे अगर बात करें हम फर्दर मोर अपने ड्रिफ्ट मोशन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अगेन बेटे मैं वही कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जो उधर ड्रॉ किया था। इस कंडक्टर के अक्रॉस बच्चों अब मैंने क्या किया, एक बैटरी अटैच कर दी बेटा। यू कैन सी ये बैटरी अटैच किया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आर मार्क्ड एज सच, और जब आप बैटरी अटैच करोगे दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है बेटा। तो इट हैज गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आल्सो, सी टू दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विल जंप इन दिस वे इट विल जंप। लेकिन जंप करने पे बेटे होगा क्या, आइए थोड़ा इसके बारे में माइन्यूटली सोचें। इस इलेक्ट्रॉन को जब ये नेगेटिव पोटेंशियल मिला, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बहुत ज्यादा
इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आइए मैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में बात कर लेता हूं बेटा, देन इट विल बी मोर रेलेवेंट एंड मोर क्लियर इन ऑल द वेज। सो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m मान लो और इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लीजिए E है। इस बैटरी का पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ जो आपने अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, लेट इट बी बेटे E। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। अब आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज E के बराबर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो होगा दैट विल बी एफ अपॉन ई और फोर्स फिर बन गया ई इंटू ई। लेकिन डियर चिल्ड्रन आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर सकता हूं अगर मैं एग्जैक्ट पिक्चर चाहूं तो, क्योंकि फील्ड भी आपका वेक्टर है फोर्स भी वेक्टर है, एफ विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। अगर बच्चों मैं खाली मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो इट विल बी ई इंटू ई, आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। लेकिन बेटे अदरवाइज अगर बात करें, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर भी तो हुआ करता है। तो आपका फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना एक्ट किया तो ये भी फोर्स है आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये भी फोर्स है। आप इनको कंपेयर करोगे अगर एम इंटू ए आपका माइनस ई इंटू ई के बराबर हुआ बेटा, वेक्टर डाल सकते हो आप, एक्सेलरेशन माइनस ई इंटू ई अपॉन एम बेटे। ये फैक्टर, ये आपका जो मैथमेटिकल टर्म है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पर माइनस 19 कूलम और ये मास माइनस 31 डिनोमिनेटर में है। जब आप इसको उल्टा करके ऊपर लेके जाओगे तो +31 हो जाएगा, +31 -19, 12 का आपका 10 का पावर पॉजिटिव बचेगा फिर भी। तो आप इमेजिन कर सकते हो बेटा कि इस इलेक्ट्रॉन को कितनी जबरदस्त एक्सेलरेशन मिल रही है। क्यों मिल रही है? बिकॉज ऑफ दिस फील्ड यू हैव अप्लाइड। इस फील्ड अप्लाइड की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन को इंस्टेंटली बहुत जबरदस्त एक्सेलरेशन मिली और उसकी वजह से ये जंप करके आगे जा रहा है बेटे, आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन आगे रास्ता खाली नहीं है, ये कोई पाइप नहीं है कि पानी निकल जाएगा बीच में से। ये मेटल का कंडक्टर है, इसके अंदर मेटल के एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, इतनी जबरदस्त एक्सेलरेशन के जब साथ जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो क्योंकि रास्ता खाली नहीं है, इट विल कोलाइड विद द एग्जिस्टिंग नेबरिंग एटम्स और द इलेक्ट्रॉन्स और द मॉलिक्यूल्स। द मोमेंट इट विल कोलाइड, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इलास्टिक कोलिजंस पढ़ रखी हैं, तो जितना भी इसके पास एनर्जी होगा ये सारी की सारी एनर्जी इस जगह पर, जिस जगह पर ये कोलाइड किया है, ये अगले वाले इलेक्ट्रॉन को या एटम को हैंड ओवर कर देगा एंड इट विल बी लेफ्ट विद जीरो एनर्जी। फिर उतना ही इसके ऊपर एक्सेलरेशन डेवलप होगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर जीरो एनर्जी होगी, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर कोलाइड करेगा, ऐसे बार 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 ये जंप करता हुआ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। इस तरीके के मोशन को पुत्र ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमेशा याद रखिए, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ पर -4 मीटर पर सेकंड एंड इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो थर्मल वेलोसिटी बड़ी हाई मैग्नीट्यूड की थी, ये बड़े लो मैग्नीट्यूड की है। असल में ये 1/10,000 पावर 4 माइनस का है, इतनी कम है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जी देखिए, हमने बल्ब को स्विच ऑन किया, फैन को स्विच ऑन किया, तो इस वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो फैन के टर्मिनल्स तक पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन वो तो फैन तो फटाफट चल पड़ता है और आपका लाइट भी जल्दी से जल पड़ता है, जैसे ही आप बटन दबाते हैं लाइट जल गई। इट मीन्स दैट बेटा
आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत होता है. द मोमेंट यू आर क्लोजिंग द स्विच, एक इलेक्ट्रॉन आपका कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, उधर आपका ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल कंप्लीट द सर्किट एंड इंस्टेंटली इट विल स्टार्ट ग्लोइंग. सो बच्चों, बात हमारी थी यहाँ पे ड्रिफ्ट मोशन के साथ रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेटेड कंपैरिजन करना था हमने. आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ी ही कम है इन कंपैरिजन टू द थर्मल वेलोसिटीज. थर्मल वेलोसिटीज बहुत हाई मैग्नीट्यूड की हैं. तो मैं बेटे यहाँ पे, चलिए डायग्राम मेरा बना पड़ा है, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको निकाल के बता देता हूँ. बच्चों ये देखिए, फोर्स हमने एक ये निकाला था, एक ये निकाला था, इनको कंपेयर करके हमने एक्सेलरेशन भी निकाला. नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, आप जानते हैं आपका वेलोसिटी वी जो होता है, इट इज इक्वल टू यू प्लस ए इनटू टी. यू आपका इनिशियल स्पीड था जब आपका ये ड्रिफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, ये उस टाइम पे स्पीड था, मतलब ये थर्मल वेलोसिटी के लिए टर्म यूज किया है मैंने. देन अब आप इसको वेक्टर भी डाल सकते हो, वेक्टर डालना भी चाहिए रादर. टी को मैं बोल देता हूं टाओ, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम. अब ये रिलैक्सेशन टाइम कहां से आ गया, आइए समझें. इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस. आपका इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां तक पहुंचने के लिए कोलाइड करने से पहले पहले कितना टाइम उसने लिया, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये कोलिजन लेनी है, जितने भी कोलिजंस हो रही हैं उन कोलिजंस का आप टाइम इंटरवल नोट करिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फिर उनका एवरेज लीजिए, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. और प्यारे बच्चों आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है, दिस इज मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई आर एम एस स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. 11th स्टैंडर्ड में याद करिए वो सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसमें आपने आपका जिग जैग मोशन पढ़ा था गैसेस की केस में स्पेशली. तो ये लैम्डा आपका मीन फ्री पाथ टर्म मैंने वहां से लिया है, सी आर एम एस, इट इज द एवरेज, एवरेज नहीं सॉरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है. इस लेंथ की, पाथ लेंथ की और स्पीड की रेशो को टाइम बोलते हैं. टाइम को टी से नहीं बल्कि टाओ से डिनोट किया गया है. तो मे बी अगर हम यहाँ पे टाओ पुट करेंगे, बी आपके पास आ जाएगा यू प्लस ए इंटू टाओ बेटा, ये आ जाएगी चीज. अब बच्चों मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर दूंगा, आइए वैल्यूज पुट कर दें. आपका वी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यू क्या था, जीरो. मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं. अब ए कितना आपका आ गया था, ये देखिए माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, तो ये टाओ साथ में ऐसे ही आ गया. इस जीरो को मैं हटा देता हूं बच्चों, वी ड्रिफ्ट मेरे पास बेटे बन गया माइनस ई इंटू टाओ अपॉन एम. अगर आपको वेक्टर डालना है कोई दिक्कत भी नहीं है, ये आपके पास बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है. एंड दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, आपको एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, आप इसका फॉर्मूला डिराइव करके बता दीजिए, निकाल के बता दीजिए. अकॉर्डिंगली वी आर टू मैनेज द थिंग्स बेटा. सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटा, आई कैन सी सो मैनी पार्टिसिपेंट्स विद मी. अंकिता प्रीत रोल नंबर 6 बेटे, अंकिता प्रीत रोल नंबर 6, 12th ए क्लास बेटा. यस सर. बेटे एवरीथिंग क्लियर? यस सर. आदित्य शर्मा, आदित्य सर बेटे क्लियर है सारा साथ साथ? यस सर. कोई दिक्कत, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं? नो सर. भूमिका, भूमिका, भूमिका बेटे, भूमिका वेटिंग टू हियर अ वर्ड फ्रॉम योर साइड बेटा. भूमिका, भूमिका बोल नहीं रही है. ध्रुव,
यस सर क्लियर है। ओके नाइस बेटे ध्रुव। ध्रुव यस सर। इज इट ऑल वेल बेटा? सर यस सर क्लियर है। वेरी नाइस। कभी कभी बोल के बता दिया करो बेटे, अच्छा लगता है ऐसे, राइट बेटे? सर हमें भी अच्छा लगता है। हाँ जी बेटे। चलिए देन बेटे आगे चलें। इसके बाद हमारे पास बेटे कंसेप्ट आ जाता है, आप इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैसे एक्सप्रेशन डिराइव कर पाओगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने कंसेप्ट बेटे कंप्लीट किया। लेट अस है बेटे द केस ऑफ अवर इलेक्ट्रिक करंट और इसका एक्सप्रेशन। तो एक स्लाइड छोटा सा बेटे मैं और बात यहाँ पे करना चाहूंगा करंट की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करने से पहले। एक टर्म हमारे पास आ जाती है बेटे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको बेटे हम कैपिटल जे, कई बुक्स कैपिटल जे से डिनोट करती हैं, इसके साथ हम डिनोट करते हैं। एंड बेटे जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपका जो करंट डेंसिटी है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड दिस एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द करंट। ये बेटे नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करिएगा एक रिवर है, उस रिवर में से पानी फ्लो हो रहा है, तो जिस तरफ वाटर करंट होगा पानी थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, मे नॉट बी कि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। एक रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, आपने एक रिंग लिया, जैसा ये रिंग मैंने डाला हुआ है, एक रिंग लिया, आपने रिंग को पानी की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली कंसिडर किया। अब ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आप देख रहे हो, इस एरिया में से कितना पानी निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड वाटर डेंसिटी। उस केस में, पानी वाले केस में, अगर यहाँ पे बात करें, आप अपने कंडक्टर की बात कर रहे थे, करंट की बात कर रहे थे, आपके कंडक्टर में कितना करंट पास हो रहा है नॉर्मल टू दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट वी कॉल एज बेटे करंट डेंसिटी बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी एरिया को परपेंडिकुलर लेकर, आपने कहा है कि ये मान लीजिए एरिया है और ये कंडक्टर इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली, ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो जितना भी एरिया आप ले रहे हो, करंट ले रहे हो आप, बिकॉज आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी है, दैट इज वाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट हमारा स्केलर था लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर हो गया, क्योंकि आपने एरिया को बेटा नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट लिया। एंड डियर चिल्ड्रन एक बात और देखिएगा, अगर आप करंट को एम्पियर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में लोगे, तो इट विल बी एम्पियर मीटर माइनस टू एज द यूनिट ऑफ योर करंट डेंसिटी। डिफाइन भी कर लें इसको बेटा, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, कोई रिजिड डेफिनेशन नहीं मैं लिख रहा हूं। तो बेटे ये आपका करंट डेंसिटी का कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट को हम बेटे और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेटा रिलेशनशिप की बात करेंगे। आइए देखें इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है इसके लिए बेटे एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है। और बच्चों और याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन भी आपका बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यू आर टू बी केयरफुल एनफ। इमेजिन करिए वंस अगेन, आपके पास ये बेटे एक वायर है, एक कंडक्टर है, और आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे अप्लाई करते हो, आप एक बैटरी अटैच कर दिया करते हो और आपने ये बैटरी अटैच करके ऐसे रखा हुआ है और ये इसका बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मार्क कर सकते हो, कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है और आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बीइंग स्मॉल एल बेटा। दीज आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंडक्टर शोन टू यू। बच्चों आप लोगों को याद होगा हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को एज पोटेंशियल ग्रेडियंट किया था पहले चैप्टर में, अगर आप याद रखा होगा आपने, आपने कहा था E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, कुछ ऐसा आपने लिखा था बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर में लिखा था आपने। अगर मैं इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, नेगेटिव का मतलब है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब है हायर पोटेंशियल, अगर ये माइनस 10 वोल्ट है ये प्लस 5 वोल्ट है तो डिफरेंस 15 वोल्ट का हो गया। इसको मैं अगर V बोल दूं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है ये क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर है, मैग्नीट्यूड मेरे पास E इज इक्वल टू V अपॉन L आ जाएगा। इट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम योर पोटेंशियल ग्रेडियंट व्यू पॉइंट। इसमें अब इमेजिन कर लीजिए स्मॉल n जो है इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपके कंडक्टर का जितना वॉल्यूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उससे डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएंगे। कैपिटल ए इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने ऑलरेडी बात कर ली है। एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आपने ऑलरेडी बात कर ली है, इसका मतलब वॉल्यूम ए इंटू एल के बराबर हो गया। एक यूनिट वॉल्यूम में एन के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बच्चों जरा सुनिएगा ध्यान से, अब एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आपको मिल गया। एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स एन के बराबर हैं और इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दीज विल बी इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया, एल लेंथ बेटा। और बच्चों और ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपका जो है दिस इज इक्वल टू माइनस ई के बराबर है, मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आप इसको प्लस ई लिख लोगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप मैग्नीट्यूड ले लें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब बेटे आपका जो चार्ज हुआ इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज, ये फिर बन गया बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स थे मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू एन ई ए इनटू एल। नल एंड नील कहीं पे ये आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अब आप जानते हैं आपका करंट जो है दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी, क्यू आपके पास है, टी कितना टाइम लगेगा फ्लो के लिए आप लिख सकते हो, आई विल बी इक्वल टू एन ई ए एल टी। अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, ये टोटल डिस्टेंस आपके इस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करना है, किस वेलोसिटी से करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो टी कितना आ गया, लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। टाइम आपका बेटे डिस्टेंस ओवर स्पीड ही तो हुआ करता है, तो वही हमने किया है, सो इट विल बी एल अपॉन वी डी आ जाएगा बेटा। तो एल के साथ आपका एल बच्चों कट गया, आई विल बी इक्वल टू एन ई ए वी डी आपके लिए, आपके पास सॉरी, ये इलेक्ट्रिक करंट का बेटा एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बन जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपके कंडक्टर में से जो फ्लो हो रहा है, आई जो है रादर दैट इज इक्वल टू एन ई ए एंड वी डी, दिस इज द एक्सप्रेशन विच मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस आल्सो। बच्चों
अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ए को उठा लूं यहां से इधर ले जाऊं, आई विल बी गेटिंग आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ये टर्म आप देखिए आपको करंट डेंसिटी की याद दिलाती है, सो जे विल बी इक्वल टू एन ई वी डी। तो आपको ये रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंगली, तो यू आर टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि आप कैसे इस चीज के साथ बेटे डील कर सकते हैं। सो इस के साथ रिलेटेड बेटे एक छोटा सा और भी कंसेप्ट है मेरा, मोबिलिटी कंसेप्ट हमारा मोबिलिटी का है, इसके साथ ही मैं रिलेट करना चाहूंगा। मोबिलिटी क्या होती है आइए जरा बात करके देखें 2 or 3 minutes में। मोबिलिटी मोबिलिटी जो है इसको म्यू से बेटे डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे तो उस केस में बेटे हम क्या करेंगे, लेट अस कंसेंट्रेट। मोबिलिटी दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बेटा। इनके यूनिट्स का आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, कई बार पूछा जा सकता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका जो है म्यू इंटू ई के बराबर भी आप कह सकते हो ना बेटा फिर, और आप इस प्लेस पे बी डी की ये वाली वैल्यू पुट भी कर सकती हो, आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा। आइए देखें, लेट मी रब दिस पार्ट एंड राइट ओवर हियर। हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला एक स्टिल और बन जाएगा। ये देखो बी डी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, एन ई ए एंड म्यू इंटू ई हो जाएगा। दिस इज योर केस ऑफ बेटा इलेक्ट्रिक करंट वंस अगेन। और यहां पे भी आप ए को इधर शिफ्ट कर लोगे, आपको जे की वैल्यू और मिल जाएगी। ए को इधर शिफ्ट किया, आपके पास आ गया आई अपॉन ए, इट इज एन ई म्यू एंड ई बेटा। तो आपका करंट डेंसिटी एन ई म्यू इंटू ई हो गया बेटा। आप ये भी रिलेशनशिप को अपने माइंड में रखिएगा, आपको इसके बारे में भी कुछ छोटी मोटी बात जो है ये पूछी जा सकती है, अकॉर्डिंगली आपने इसका बेटा ध्यान रखना है। देन बेटे एक बात और है कि आपका जो मोबिलिटी है, बिकॉज ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैं थोड़ा इसको और रिलेशनशिप को बेटे चेक करना चाहूं। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखिएगा हमारे पास था, हमने निकाला था वी डी इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू टाउ अपॉन एम के बराबर हमने निकाला था अभी अभी बेटा। आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वी डी का फॉर्मूला जो था बेटे हमारे पास, इट वाज ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड था, इंटू टाओ था, डिवाइडेड बाय एम था। ये वाला फील्ड की वैल्यू को मैं एज सच लिख देता हूं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, लेट इट बी एज सच। ये ई आपका पुत्र कट जाएगा। थोड़ा सा बेटे ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ बेटा आपका जो मोबिलिटी है इट इज माइनस ई इंटू टाओ अपॉन एम। अगर बच्चों मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर लूं, मैं ये साइन को ना कंसिडर करूं, तो मेरा जो मोबिलिटी है इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द चार्ज कैरियर बेटे। तो आप वेल इमेजिन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना ज्यादा कम है, डिनोमिनेटर में आ रही है टर्म, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द आयंस विद इट।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़ी जल्दी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं सॉलिड्स के केसेस में बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे आप इस केस में ये मोबिलिटीज की टर्म्स में अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्यों ज्यादा है, आयंस की क्यों कम होती है, क्योंकि मोबिलिटी मास ऑफ द पार्टिकल पर इनवर्सली डिपेंडेंट रहती है। दैट इज वाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज मोर मोबिलिटी इन कंपैरिजन टू द डिफरेंट आयंस बेटा। सो दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बीच में आपने काफी रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात की, इंटर रिलेशनशिप्स की भी। सो बिफोर आई एंड अप और ये आप मानविया बेटा, मानविया यस विदे, प्रीतिका, प्रीतिका इज इट ऑल क्लियर? राधिका, मानविया पुत्र बोलो। हाँ जी मानविया बोलिए बेटा, मानविया बेटा यू आर अनम्यूटेड। हाँ जी सर। हाँ बेटे बोलो, सारा क्लियर है आपको? यस सर। ओके नाइस बेटे। बाकी सारे स्टूडेंट्स बेटे इज इट ऑल क्लियर टू ऑल बेटा? ये गुंजोत अब आ रहा है, देखो ये हाजिरी लगवाने आया सिर्फ, दिस इज वेरी बैड। सो बेटे योर टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास आई थिंक होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, थैंक यू ऑल। और इसको चीज को बेटे मैं फिर बेटे आपको होगी सर बार बार वही बात करते रहते हैं, इसको बेटे लिख के जरूर देखा करो। देखो छोटे 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 एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख के देखोगे ना तो इन द एंड व्हेन वी विल बी सिटिंग फॉर द एग्जाम्स, फिजिकली सिटिंग फॉर द एग्जाम्स, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप कहोगे नहीं जी समझ लग गया, ठीक है इधर इधर कट गया उधर आ गया, तो फिर बेटे थोड़ा बहुत लिखने में प्रॉब्लम हो जाया करती है। सो थैंक यू ऑल बेटा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा लिखिएगा लिख के कर...